बेसिकली फ्रेंड्स ये एक फ्लोर क्लीनर है, मतलब फर्श को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ और भी जैसे सर्फेसिस होते हैं, हार्ड सर्फेस होते हैं, टेबल हो गया, चेयर्स हो गई, उनको साफ करने के लिए भी, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रिकमेंडेड है, इसका मतलब ये पूरी तरह से लैब टेस्टेड है कि ये 99.9% जर्म्स को किल करने में इफेक्टिव है। और साथ ही साथ ये काफ़ी पहले ज़माने में, जैसे आपको ध्यान होगा कि कई लोग फिनाइल यूज़ करते थे पोछा लगाने के लिए, पोछे के पानी में क्या था, फिनाइल डालते थे यही अपने घर को क्लीन करने के लिए या फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। लेकिन फिनाइल में क्या होता था कि है ना, एक तरह की अजीब सी स्मेल आती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी, तो कई लोगों को है ना चढ़ती है वो स्मेल, तो इसलिए कई लोग अवॉइड करते हैं फिनाइल का यूज़ करना। लेकिन फिनाइल के कंपैरिजन में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो है लाइजोल बहुत ही ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। और साथ ही साथ जब आप इसे यूज़ करते हैं ना, तो इसमें है ना खुशबू आती है, एक फ्लोरल खुशबू आती है जो एनवायरनमेंट को, जो जिस भी कमरे में अगर हमने पोछा लगाया है या जहाँ पे भी हमने इसे यूज़ किया है, बहुत ही एकदम प्लेजेंट फ्रेगनेंस फैला देती है हर तरफ। इसको यूज़ करने के लिए जैसे भी कई तरीके के किचन में होता है, या किचन की जो स्लैब होती है जिसपे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते बहुत तरह के स्टेन्स लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में भी ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लाइजोल फ्लोर क्लीनर को हमें यूज़ कैसे करना है। देखिए इसकी बॉटल है, इसके आप ढक्कन को खोलिए और एक ढक्कन पूरा भर के आप इसमें निकालिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसे, अब ये एक ढक्कन लिक्विड आप, मैंने आधा बाल्टी बाल्टी पानी लिया है पोछा लगाने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब आपको हाथ से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए और अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फ्लोर क्लीन करके दिखाती हूँ। मैं इसको नीचे रखा, मैंने ये कुछ कपड़ा लिया है तो अच्छे से इसमें डिप कीजिए। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें थोड़े झाग भी बन गए हैं, तो इससे क्या होता है, इसे क्लीनिंग, फर्श की जो क्लीनिंग, जो भी ये सरफेस हम क्लीन कर रहे हैं ना, क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जैसे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें पोछा लगाने के बाद, कमरे में है ना एक बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आने लग जाती है, हमको खुद एक फ्रेशनेस फील होती है। देखिए फ्रेंड्स फ्लोर पे देखिए कुछ गिरा हुआ है, अब मैं इसको इस पर क्लीन करती हूँ। अगर कोई स्टेन बहुत ही ज़िद्दी है तो हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन उस स्टेन पे डाल के उसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं। स्टेन पे उसे डायरेक्टली डाल रही हूँ बिना पानी में मिलाए। देखिए मैंने इस पे ये स्टेन पे डाला है, क्योंकि कुछ स्टेन्स होते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, इसे अब आपको थोड़े 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये रिमूव हो रहा है स्टेन, 10 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे छोड़ा था और जिस जगह पे डाला था, देखिए ये पूरी तरह से वो स्टेन जो था, जो आपको पहले दिख रहा होगा यहाँ पे, अब वो नहीं है, पूरी तरह से क्लीन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्लोर पूरी तरह से साफ हो गया है, तो ये जो टफ स्टेन्स होते हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और बाकी फ्लोर क्लीन करने के लिए तो है। ये इसके अलावा ये जो बॉटल है ये एक फ्लोरल फ्रेगनेंस है, इसके अलावा भी इसमें कई फ्रेगनेंस में आता है, जैसे जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हैं, जैसे पाइन, सिट्रस, जैस्मीन, लेवेंडर, सैंडल, नीम, कई तरीके की फ्रेगनेंस में आता है और अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आपको ट्राई करना चाहते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है, तो आप छोटा साइज से यूज़ करके लेके खरीद के देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसकी 2 लीटर तक की भी बॉटल आती है, बिग बॉटल, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो घर में हमेशा यूज़ करने वाली चीज़ है और ना ख़राब होने वाली नहीं है, इसलिए हम बड़ी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसी आपकी विश हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं।